हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी बाइनोमियल के लिए ए प्लस बी टू द पावर जीरो वन होता है, ए प्लस बी पावर वन, ए प्लस बी हमको मालूम है, ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार मिलता है। ए प्लस बी होल क्यूब के लिए ए क्यू थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए बी पावर फोर के लिए एट द पावर फोर फोर ए क्यू बी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए बी क्यू बी पावर फोर, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये वन, इसमें फिर वन 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 से स्टार्ट करना है और ये दोनों ऐड करके लिखना है। यहाँ पे वन से स्टार्ट करना है, दोनों ऐड करके थ्री थ्री वन वन, ए दोनों ऐड करके फोर सिक्स फोर वन, फिर वन होगा दोनों ऐड करके फाइव टेन टेन फाइव वन, इस प्रकार से चल सकते हैं। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। ये पास्कल्स ट्रायंगल है जो इस ट्रायंगल से इस बाइनोमियल के कोफिशिएंट मिलते हैं। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन है, लेकिन यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड है, जीरो से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम क्या ले रहे हैं, एन बिलोंग्स टू एन यूनियन जीरो। इस सेट में हमारा एन होगा, एन जो एक्सपोनेंट है, एन हमारा एक्सपोनेंट है। और इस चैप्टर में हम एन को नेचुरल या जीरो होल नंबर में पकड़ेंगे। और इस पास्कल ट्रायंगल के द्वारा ये कोफिशिएंट मिल रहा है। पहला वाला कोफिशिएंट वन है, सेकंड में ये वन वन कोफिशिएंट दे रहा है, इसमें वन टू वन कोफिशिएंट आ रहा है, इसमें वन थ्री थ्री वन, इसमें वन फोर सिक्स फोर वन, फिर ए प्लस बी पावर फाइव के लिए यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा। अगर ए प्लस बी टू द पावर सिक्स लिखा, यहाँ से मिलेगा क्या, वन ए टू द पावर सिक्स, ए का पावर घटाना है तो फाइव, वन प्लस फाइव सिक्स, ए टू द पावर फाइव बी आएगा, फिर ये दो ऐड करके फिफ्टीन, ए पावर फोर बी स्क्वायर, दोनों का पावर प्लस करके सिक्स होना है। जब एक्सपोनेंट सिक्स रहेगा दोनों को ऐड करके सिक्स, ऐड करके सिक्स, फिर ट्वेंटी ए क्यू बी क्यू, फिर फिफ्टीन ए बी पावर फोर, फिर सिक्स ए स्क्वायर ए बी पावर फाइव, फिर बी टू द पावर सिक्स। सो पास्कल का ट्राइंगल को यूज़ करते हुए ये मिला है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स सी नॉट ए पावर सिक्स, सिक्स सी वन ए पावर फाइव बी, सिक्स सी टू ए पावर फोर बी स्क्वायर, सिक्स सी थ्री ए क्यू बी क्यू, सिक्स सी फोर ए स्क्वायर बी पावर फोर, सिक्स सी फाइव ए बी पावर फाइव, सिक्स सी सिक्स बी पावर सिक्स। और इस सब को हम बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल कोफिशिएंट।
सो इसको हम ए प्लस बी पावर सिक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो अब हम इसको जनरलाइज करने से क्या मिलेगा, ए प्लस बी पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन, एन सी नॉट ए पावर एन, एन सी वन एट द पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस वन ए बी टू द पावर एन माइनस वन एन सी एन बी टू द पावर एन। तो इसको जनरलाइज करने से ये मिलता है। अब देखेंगे ये जो वैलिड है कि नहीं, इसको प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं वो देखेंगे। हम इसको प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे। अब इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और ये सब है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दिस आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन। सो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे। लेट इसको पी एन बोलेंगे स्टेटमेंट। सो पी एन मीन्स दिस, तो मेथड ऑफ इंडक्शन में पी वन देखेंगे। पी वन मीन्स ए प्लस बी, एन का वैल्यू वन डालने से वन सी नॉट एट द पावर वन एन वन सी वन बिट द पावर वन। तो ये दो टर्म ही रहेंगे, जब एन का वैल्यू वन होगा एन सी नॉट का वैल्यू वन होता है, दैट मीन्स ए प्लस बी। सो ए प्लस बी टू द पावर वन इक्वल टू ए प्लस बी है, इसका मतलब जो पी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो रिजल्ट मिला है वो ट्रू है। सो हमको पी वन ट्रू मिला है। अब एज्यूम करेंगे लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, दैट मीन्स के बिलोंग्स टू एन के लिए नेचुरल नंबर के लिए पी के ट्रू मान लिया, और के बिलोंग्स टू एन। हम नेचुरल एन के लिए प्रूफ करेंगे रिजल्ट, दैट मीन्स अगर पी के ट्रू है दैट मीन्स ए प्लस बी टू द पावर के इक्वल टू के सी नॉट एट द पावर के सी वन के माइनस वन बी, एन के जगह में के लिखना है, के सी टू के माइनस टू बी स्क्वायर के सी के माइनस वन के माइनस वन के सी के बिट द पावर के। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पी के। अब पी के प्लस वन को ट्रू दिखाना है, देयरफॉर ए प्लस बी टू द पावर के प्लस वन, इसका वैल्यू भी इसी प्रकार का आ गया तो वो पी पी के प्लस वन भी ट्रू होगा। फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी टू द पावर के। तो इसका एक्सपेंशन में ये लिखेंगे के सी नॉट ए पावर के सी वन के माइनस वन बी के सी टू के माइनस टू बी स्क्वायर के सी के माइनस वन ए बी टू द पावर के माइनस वन के सी के बी पावर के, ये मिलता है। अब करेंगे क्या, ये प्रोडक्ट करेंगे और ये पावर को हम कॉमन लेके चलेंगे, पावर को सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स ए इंटू एट द पावर के सी नॉट एट द पावर के प्लस वन। अब ए टू द पावर के बी लिखेंगे, ए टू द पावर के इंटू बी, इसको कॉमन लेने से ए टू द पावर के बी का मिलता है, ये मल्टीप्लाई होने से मिलता है यहाँ से, तो कोफिशिएंट रहेगा
ये सी नॉट और ए टू द पावर के भी यहाँ से भी आता है के सी वन, फिर ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, इसको कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेने से क्या कहाँ से मिलेगा, के माइनस वन यहाँ से आता है बी स्क्वायर, सो और यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है के माइनस वन बी स्क्वायर, तो के सी वन के सी टू प्लस डॉट 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 डॉट। अब लेंगे इसको प्रोडक्ट करके क्या आएगा, ए बिट दी पॉ के, ए बिट दी पॉ के को कॉमन लेने से क्या मिलेगा, तो बी से मल्टीप्लाई होने से यहाँ मिलेगा, दैट मीन्स के सी के माइनस वन, एंड ए से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ए बिट दी पॉ के आएगा के सी के, और बी से ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने से के सी के बिट दी पॉ के प्लस वन आएगा। फिर हमको एक फॉर्मूला मालूम है, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, तो इसका रिजल्ट होता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन, नीचे का बड़ा लेना है और ऊपर में वन प्लस करना है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, और क्या है के सी नॉट को हम लिख सकते हैं के प्लस वन सी नॉट, नो प्रॉब्लम, इसका वैल्यू भी वन होता है, इसका वैल्यू भी वन होता है, एट द पावर के प्लस वन, ये के सी नॉट के सी वन को के प्लस वन सी वन लिख सकते हैं, एट द पावर के बी, और यहाँ पे के प्लस वन सी टू, एट द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा के प्लस वन सी के ए बी टू द पावर के प्लस वन सी के प्लस वन बी टू द पावर के प्लस वन। तो हमको यहाँ अभी क्या मिला है, हमको मिला है दैट मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू, सो पी वन इज ट्रू, पी के ट्रू एज्यूम किया था तो फिर दिखा पाए पी के प्लस वन इज ट्रू, उसका मतलब दैट इज पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन इन एन बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। सो मेथड ऑफ इंडक्शन से प्रूफ हो गया कि ये रिजल्ट हर नेचुरल एन के लिए ट्रू है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।